आज बेटे की इमेज, तो जब पापा मंत्री थे बेटे ने एक एक की जेब में डाका डाला है, जाते हैं तो ये बेचारे टिकट मांगने वाले जो कार्यकर्ता है ये कुंवारे ही मर जाएंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के चलते मारवाड़ की राजनीति में इस बार पचपदरा विधानसभा काफी चर्चाओं में रहा। बीजेपी के दृष्टिकोण से बात करें तो बीजेपी ने पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी आखिरी सूची में जो तीन नामों की निकली थी उसमें बनाया था। क्या कारण रहा होगा तमाम बातें बीजेपी के नेता जानते होंगे, लेकिन सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अब इनका ऐसे इनके तमाम जो समर्थक है उनका ऐसा कहना है कि हम लोग मजबूत पड़ रहे हैं इसलिए बीजेपी को अपना प्रत्याशी ढूंढने में इतनी मेहनत करनी पड़ी। मदन जी, कैसी तैयारी चल रही है तमाम चुनावों को लेकर? देखो, चुनाव मुझे प्रत्याशी बनाया है तो तैयारी पार्टी करती है, कार्यकर्ता करते हैं, और हमारी पूरी टीम मजबूत है और मुझे पूरा भरोसा है कि एक एक कार्यकर्ता दिन रात एक करके बहुत मजबूती से काम करेंगे। कितना समर्थन लोगों का मिल रहा है? आम लोगों के पास जा रहे हैं, मतदाताओं के पास जा रहे हैं, जनसंपर्क किया जा रहा है, क्या लोग कह रहे हैं? मैंने जातिवाद, परिवारवाद और वंशवाद में विश्वास नहीं किया है। मैं 37 कोम का मुझे जो आशीर्वाद हमेशा मिला है और अभी भी मिल रहा है। और रही बात सामने उम्मीदवार की, तो आपने देखा 198 टिकटें फाइनल होने के बावजूद भी पचपदरा का नाम नहीं, तो इनसे जाहिर होता है कि उनकी पार्टी में उनकी क्या पैठ है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनती है तो उनकी सुनने वाला कौन है? और ये टिकट दी नहीं है, ये लड़ झगड़ गालियां बोल के और जातिवाद का डर दिखाकर जबरदस्ती टिकट ली गई है, इनको ईमान से दी नहीं गई है। तो इसलिए इनके पुत्र के मोह में वो मगन हो गए कि मैं अगर उम्र में ज्यादा हूं तो मेरी जगह मेरा बेटा। तो राजनीति में 37 कोम के जो कार्यकर्ता वही बेटा ही है, लेकिन पुत्र मोह में। मैंने तो ये भी कहा कि अगर इस बार अगर वो जीत जाते हैं तो ये बेचारे टिकट मांगने वाले जो कार्यकर्ता है ये कुंवारे ही मर जाएंगे। और लोगों में आक्रोश है, हर वर्ग में आक्रोश है कि ये लोकतंत्र है या पापा विधानसभा में अंदर नहीं जाएंगे। और रही बात बेटे की इमेज, तो जब पापा मंत्री थे बेटे ने एक एक की जेब में डाका डाला है, इसलिए लोग इनकी इमेज को पूरी तरह से जानते हैं। अब मदन प्रजापत इस बात को कैसे डैमेज कर रहे हैं कि भाई देखिए मेरी टिकट तो मुझे पहली सूची में नाम आ गया था, बीजेपी का इतना नाम देर आया है, तमाम बातों को लेकर ये चर्चाएं हो रही है। देखो, देर आने से साफ जाहिर होता है इनकी पार्टी में इमेज नहीं है, और अगर पार्टी में इमेज नहीं है तो ये कैसे विकास करवाएंगे। इसलिए जातिवाद परिवारवाद के मोह में उन्होंने कहा कि मैं और मदन प्रजापत साथ में पढ़ते थे, और जब पढ़ते थे तो इनके नेकर के दो कारियां लगी हुई थी, तो 40 सालों में हमारी कारी हटी है, ये भी इनको दर्द है। और गांव में नहीं आने देंगे, ये संस्कार हमारे नहीं, हम तो कहते हैं हमारे घर पे आओ और पापा का बेटे का दोनों स्वागत किया जाएगा। तो ये बातें, इस बातों को लेकर जनता इफेक्टिव हो रही है, ये राजनीति नहीं हो? जनता बहुत बड़ी समझदार है, और जनता ने मन बना लिया है कि जिसने जिला बनाया है, विकास किया है, वोट मदन प्रजापत को नहीं, विकास के नाम पे लोग वोट देने जा रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अमीर गरीब 37 कोम की जनता मुझे दिल से आशीर्वाद दे। क्या मुद्दे हैं? जनता कुछ कह रही है कि भाई मदन जी ये काम हुए नहीं है, बाकी रह गए, इस बार काम करने? मुख्यमंत्री जी ने एक ही कहा, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते, हमारा कोई काम बाकी नहीं है। अगला जो विजन है, हमने बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत के नया जिला बना है, और ऐसा जिले में बालोतरा शहर में गांवों में विकास हो ताकि पूरे प्रदेश में एक नंबर जिला बालोतरा बने। चुनौती किसको मानते हैं मदन प्रजापत? आप जो देख रहे हैं, सवाल चुनौती का है ही नहीं, सरकार के कोई नाराजगी नहीं। बाकी अमूमन इस समय सरकार से लोग आक्रोश होते हैं, नाराज होते हैं, लोग दिल से स्वागत कर रहे हैं। और मैंने एमएलए वाला पद वाला मामला समझा ही नहीं, मैंने तो एक आम आदमी साधारण की तरह हर आदमी को भाई की तरह, एक परिवार के रिश्ते की तरह माना है, इसलिए हमारे में वीआईपी कल्चर नहीं है। और उनमें तो वीआईपी कल्चर है कि वंशवाद की तरह, मोदी जी कहते हैं वंशवाद का होगा सफाया, इंडिया परिवार इंडिया छोड़ो, जातिवाद का होगा खात्मा। तो यहाँ की जनता कह रही है पापा और बेटा पचपदरा छोड़ो,
इसलिए मन बना लिया है और लोगों ने तय कर। दिवाली के साथ साथ 3 तारीख के लिए फटाखे खरीद लिए? फटाके पूरे कार्यकर्ताओं ने पूरे भरोसे के साथ खरीद लिए, और मैंने तो पहले भी कहा कि 2 दीपावली आएगी, 1 जिले की और 1 दीपावली, और अब हमें उम्मीद है कि 3 दीपावलियां होने जा रही। बिल्कुल, ये मदन प्रजापत है जिनका साफ तौर पर दावा है कि इस बार 3 दीपावलियां होने वाली है, लेकिन ये 3 तारीख को स्थिति क्लियर हो जाएगी कि आखिर दीपावली कहां पर मनने वाली है। शुक्रिया।